तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में छत्रिया। राजस्थान की जो छत्रिया है, राजस्थान में कहाँ पे कौन कौन सी छत्रिया है, कितने प्रकार मतलब कितनी छत्रिया, वो सब छत्रियों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इस टॉपिक में जो भी हमारा ये वीडियो है, इसमें हम राजस्थान की प्रमुख जो भी छत्रिया उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि छत्रिया क्या होती है, क्यों बनाई जाती है और कहाँ कहाँ पे किसकी छत्री बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और किस प्रकार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया और किस किस तरह से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें एग्जाम में, कि हमारा कोई भी छत्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन हो कभी गलत नहीं हो। तो मैं आपको पूरी डिटेल से भी बताऊंगी, अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो या मतलब या फिर मैप के द्वारा मतलब नक्शे के द्वारा पढ़ना चाहते हो, मैं दोनों ही तरीके से आपको बता दूंगी। तो मेरा तो ये है कि आप अगर एक बार मैप को देख लो और उसके आधार पर आप डिटेल से पढ़ो तो काफ़ी अच्छा होगा। इसी तरीके से मैं दोनों ही तरीके से आपको बताने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वीडियो मेरा अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लास्ट लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आपको अच्छा लग जाए तो इसको सब्सक्राइब शेयर करना ज़रूर मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि छत्रियाँ होती क्या है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि वो मतलब छत्रियाँ क्या होती है। सबसे पहले कि कोई भी जैसे प्राचीन काल में जब राजा महाराजा उनकी डेथ हो जाती थी, मतलब वो मर जाते थे, ठीक है, तो राजा महाराजा जो भी प्राचीन काल में होते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी जैसे, है ना। तो उनकी मृत्यु के उपरांत, राजा महाराजाओं ये कोई बहुत बड़ा ऐसे वो है, उनकी मृत्यु के उपरांत जो स्मृति चिन्ह उपरांत जो वो स्मृति छोड़ जाते चिन्ह वो हैं, जो छोड़ भी जाते जाते हैं, हैं वो छोड़ जाते हैं। तो उन मतलब राजा महाराजाओं मृत्यु के उपरांत जो स्मृति चिन्ह छोड़ देते हैं, तो वो राजा महाराजा वगैरह होते थे वो एक विशिष्ट स्मारक बनाते थे, उनको ही अपन छत्रियों का नाम दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो छत्रियाँ क्यों बनाई जाती है, जो राजा महाराजा वगैरह की मृत्यु के उपरांत उनकी स्मृति चिन्ह के रूप में छत्रियाँ बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कोई आम आदमी होता है तो उनको लेके तो कोई चबूतरा वगैरह बनाया जाता है, बट अगर कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा है प्राचीन काल में, तो उनकी मृत्यु स्मृति चिन्ह के रूप में हम छत्रियाँ बनाते हैं। और स्थापत्य कला की दृष्टि से इन स्मारकों का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन मतलब छत्रियों से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हमारे निकल के आएंगे, वो सारे हम चीज़ देखते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, अब छत्रियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, एक तो राज परिवार से संबंधित बनेंगे कि किस राज परिवार की छत्री है या किस राज परिवार के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट जो बनेगा वो जिले का पूछेगा कि कौन से जिले में कौन सी छत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा छत्री वाला मेप है। सबसे पहले हम देखते हैं, बात करने वाले हैं यहाँ पे मूसी महारानी की छत्री। तो मूसी महारानी की छत्री कितने कंबों की है, ये 80 कंबों की छत्री है। कहाँ पे ये, कौन से जिले में है, तो ये अलवर जिले में, आप इस मेप के अंदर देख सकते हो कौन से जिले के अंदर है, अलवर जिले के अंदर है मूसी महारानी की छत्री। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मूसी महारानी की छत्री, मूसी महारानी की छतरी। ये कितने खंभों की छतरी है, ये 80 खंभों की छतरी है। कितने की, 80 खंभों की छतरी है। ठीक है, इसके बाद है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, राजा बख्तावर के द्वारा, राजा बख्तावर के द्वारा बनाई गई, राजा बख्तावर सिंह के द्वारा। इसके बाद इसका निर्माण की बात करें कि मूसी महारानी की छत्री का निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1815 में, 1815 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था मूसी महारानी की छत्री का, और विनय सिंह के द्वारा। किसने, विनय सिंह के द्वारा। कहाँ पे किया गया, अलवर, कहाँ पे, अलवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूसी महारानी की छत्री और राजा बख्तावर सिंह की छतरी, मतलब दोनों ही क्या है, ये 80 खंभों की छतरी है। और किसने निर्माण करवाया था इसका, विनय सिंह ने करवाया था। किसने, विनय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1815 ईस्वी में करवाया था। और ये कहाँ पे है, अलवर में, कहाँ पे, ये अलवर जिले में स्थित है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि इसकी जो पहली मंजिल है वो मतलब लाल पत्थरों से बनी हुई है, लाल पत्थरों से बनी है। और सेकेंड है जो वो संगमरमर से बनी है, मतलब श्वेत पत्थरों से। आपको पता है कि बाला का किला भी कहाँ पे, अलवर में है बाला का किला। ठीक है, तो बाला किला है, उसकी तलहटी में ये सारी छत्रियाँ बनी हुई है। ठीक है, बाला किला कहाँ पे, अलवर में, और उसकी सारी उसकी तलहटी में ही ये छत्री बनी हुई है। इसके बाद हम बात करने वाले अलवर जिले की दूसरी है फतेह जंग, फतेह सॉरी
फतेह जंग गुंबद। तो ये कैसा बना हुआ है? ये पांच मंजिला बना हुआ है, पांच मंजिला बना हुआ है और इस पर चार खंभों की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? चार खंभों की छतरी, इस पर ही चार खंभों की छतरी बनी है। काफी छोटी छतरी है बट ये यहाँ पे ही अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये जो फतेह जंग गुम्बद है ये किसकी याद में बनाया था? ये फतेह जंग खा के याद में बनाया गया था, फतेह जंग खा की याद में बनाया गया था फतेह जंग गुम्बद। और कब बनाया गया था? ये 1547 ईस्वी में, 1547 ईस्वी में बनाया था फतेह जंग खा की याद में। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं नेड़ा की छतरी। नेड़ा की छतरी भी कहाँ पे? अलवर में ही। नेड़ा की छतरी ये भी कहाँ पे स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे एक बार अलवर का दोबारा से देखते हैं। ये हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो अलवर जिले में क्या है? एक तो मुसी महारानी की छतरी है जो 80 खंभों की छतरी है, टहला की छतरी भी है यहाँ पर, नेड़ा की छतरी भी है यहाँ पर, एक गुंबद भी बना हुआ है, फतेह जंग गुंबद भी बना हुआ है। कहाँ पे? ये सब अलवर जिले में स्थित है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, आपको मैप में दिख रहा है ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे भी 84 खंभों की छतरी है। कौन सी खंभी है? 84 खंभों की छतरी है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पे हो गई? बूंदी में हो गई। कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो गई? बूंदी डिस्ट्रिक्ट में हो गई। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। एक देवपुरा ग्राम है, कौन सा गांव है? देवपुरा ग्राम है, मतलब देवपुरा नाम का एक गांव है। वहां पर राव राजा, हुए थे अनिरुद्ध सिंह, राव राजा अनिरुद्ध सिंह के भाई थे देवा द्वारा। ठीक है, तो ये 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। एक देवपुरा गांव, मतलब देवपुरा नाम से एक गांव है, वहां पर राव राजा हुए थे अनिरुद्ध सिंह, थे राव राजा, उनके भाई थे देवा। उनके भाई का क्या नाम था? देवा। और उनके द्वारा 84 खंभों की छतरी का निर्माण किया गया था, देवा के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 1683 में ईस्वी में। तो सन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये याद रखना है कि किसके द्वारा? देवा के द्वारा देवपुरा ग्राम में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किया गया बूंदी में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं छार बाग। छार बाग ये केसर बाग की छतरिया, केसर बाग की छतरिया, छार बाग व केसर बाग की छतरिया। अब ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, में हाडा चौहान। ठीक है, तो ये छार बाग की जो छतरिया, सार छार बाग और केसर बाग की छतरिया कोटा बूंदी के जो हाडा चौहान थे, उनकी स्मृतियों में छार बाग और केसर बाग की छतरिया बनाई गई थी। छार बाग और केसर बाग की छतरिया बनाई गई थी कोटा बूंदी में, कोटा बूंदी के हाडा चौहानों की स्मृतियों में छार बाग और केसर बाग की छतरिया बनाई गई। अब हम बात करने वाले गेटोर की छतरियों के बारे में। गेटोर की छतरिया, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जो इनके जो राजवंश है, इनका जो वंश है कि कौन से वंश के द्वारा, कौन से राज परिवार के द्वारा ये छत्रियाँ बनाई गई, तो वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि गेटोर की छत्रियाओं की बात करते हैं हम, तो हमारे सामने तो कछवाहा राजवंश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो गेटोर की छत्रियों में कहाँ पे ये कौन से वंश से संबंधित है? कछवाहा वंश से, कछवाहा वंश से संबंधित है, कछवाहा वंश से संबंधित है। और ये कहाँ पर स्थित है?
जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और एक सवाई ईश्वर सिंह की छतरी कौन सी है? सवाई सवाई ईश्वरी सिंह। तो सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है? सिटी प्लेस। सिटी प्लेस के अंदर ये छतरी बनी हुई है, सवाई ईश्वर सिंह की छतरी। ठीक है। और सवाई ईश्वर सिंह जो छतरी है, इसका निर्माण किसने करा था? सवाई माधो सिंह के द्वारा। सवाई माधो सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, सवाई ईश्वर सिंह छतरी का निर्माण। ये कहाँ पे बनी हुई है? सिटी प्लेस जयपुर के अंदर बनी हुई है। ठीक है। तो गेटोर की छतरियाँ कहाँ पे, कौन से वंश से संबंधित है? कछवाहा वंश से संबंधित है। कहाँ पे बनी हुई है? जयपुर में। वही सवाई ईश्वर सिंह की छतरी, ये भी सिटी प्लेस पे बनी हुई है। छतरी वाले 32 तो खंभों किसके की द्वारा छतरी, निर्माण किया गया? सवाई 32 माधो सिंह के द्वारा। खंभों की छतरी। तो आपकी जो ये 32 खंभों की छतरी, ये कहाँ पे? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। कहाँ पर स्थित है ये? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है ये। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जेतर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जेतर सिंह ने करवाया था। और अगर हम इसके वंश की बात करें कि 32 स्तंभों की छतरी कौन से वंश से संबंधित है, तो ये चौहान वंश आते हैं। चौहान वंश। ठीक है। कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। जेतर सिंह ने इसका निर्माण कराया था, चौहान वंश से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर में कौन सी, जैसे कि देवकुंड की छतरी, कौन सी देवकुंड की छतरी है? कहाँ पे? बीकानेर में। एक राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर में, और बीका छतरी भी बीकानेर में। तो अब हम बात करने वाले हैं देवकुंड की छतरी के बारे में। देवकुंड की इसको देवकुंड सागर की छतरी बोल सकते हो आप। अब आपको पता है कि देवकुंड सागर की छतरी कहाँ बनी हुई है? कि देव बीकानेर से 5 किलोमीटर दूर स्थित देवकुंड सागर है, वहां पर यह छतरी बनी हुई है। आप इसको जरूर याद रखना, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि देवकुंड सागर की छतरी कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पे हो गई? बीकानेर में। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर। ठीक है। देवकुंड सागर की छतरी कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले उदयपुर जिले के बारे में। उदयपुर जिले की कौन कौन सी छतरी है? जैसे कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे स्थित है? ये बांडोली में। फिर है आहड़ की छतरी, ये कहाँ पे है? किस मतलब इसका किसके, वो महाराणा कर्ण सिंह के की उसमें बनाया था। फिर है संग्राम सिंह दित्ते की छतरी व अमर सिंह दित्ते, इन तीनों में आहड़ की छतरी बनाई गई थी तीनों को। ठीक है। अब ये जो महाराणा प्रताप की जो छतरी है बांडोली में स्थित है। ठीक है। और एक यहाँ पे उदय सिंह की छतरी भी है। उदय सिंह की छतरी भी कहाँ पे? उदयपुर में ही है। उदयपुर गोगुंदा में स्थित है देव उदय सिंह की छतरी, क्योंकि उदय सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? गोगुंदा में हुआ था, इसलिए उनकी छतरी कहाँ बनाई गई? गोगुंदा में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जोधपुर जिले के बारे में। जैसे कि कागा की छतरी, कागा की छतरी छतरियाँ, कागा की छतरियाँ, तो ये भी कौन से राज परिवार के द्वारा बनाई गई थी? ये जोधपुर राज परिवार के द्वारा। जोधपुर राज परिवार के द्वारा। ठीक है। तो कागा की छतरियां जोधपुर राज परिवार के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। और ये काफी ही इम्पोर्टेंट छतरी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कागा की छतरी कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है ये। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि कागा की छतरियां कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे हो गई? अपनी जोधपुर में। कहाँ पे स्थित है? कागा की छतरी जोधपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोधपुर में ही दूसरी जो छतरी स्थित है उसके बारे में। सबसे गोरा गाय, गोरा धाय, सॉरी गोरा धाय, गोरा धाय की छतरी, गोरा धाय की छतरी, इसका निर्माण किसने कराया था? अजीत सिंह ने। अजीत सिंह ने 1711 ईस्वी में करवाया था, सॉरी अजीत सिंह ने 1711 ईस्वी में कराया था गोराधाई की छतरी। ठीक है। जो गोराधाई थी, उन्होंने अजीत सिंह का लालन पालन किया था। ये गोराधाई की जो छतरी है, ये कहाँ पे? अजीत सिंह के द्वारा बनाई गई थी 1711 में।
और गोरा दाई कौन थी? ये अभी अजीत सिंह का जिसने लालन पालन किया था, इसको मारवाड़ की पन्ना दाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना दाई, मारवाड़ की पन्ना दाई भी कहा जाता है गोरा दाई की छत्री या फिर गोरा दाई को। ठीक है, तो हम जोधपुर जिले की बात करते हैं। जोधपुर जिले में कौन कौन सी छत्रियां हो गई? जैसे कि राठौड़ की छत्री, रानी सूर्य कंवर की छत्री जिसमें 32 खंभों की है, ये ब्राह्मण देवता की छत्री, सबसे इम्पोर्टेंट है कागा की छत्रियां हो गई, और इंद्रराज सिंगी की छत्री, कीरत सिंह सोडा की छत्री, मामा भांजा की छत्री, और ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी मामा भांजा की छत्री और कागा की छत्री। मामा भांजा की छत्री जैसे धन्ना व बिया का छत्री, मतलब धन्ना और बिया दोनों से रिलेटेड है ये। फिर गोरा दाई की छत्री, गोरा दाई की छत्री। फिर जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा भी कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है, इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है जसवंत थड़ा को। ठीक है, तो ये हमारे जोधपुर जिले की सारी छत्रियाँ हो गई। एक बार मेन मेन देख लेते हैं, गोरा दाई की छत्री हो गई, मामा भांजा की छत्री हो गई, कागा की छत्री हो गई, और राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को, जसवंत थड़ा को। ठीक है, इसके बाद करते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कौन सी छत्री है? राव जैत सिंह की छत्री। कौन सी है? राव जैत सिंह की छत्री। कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? रैदास की छत्री और लोक देवता कल्ला जी की छत्री। रैदास की छत्री और लोक देवता कल्ला जी की छत्री। ठीक है, वो आपको पता है वहाँ पे कुंभ श्याम जी का मंदिर है, कुंभ श्याम जी के मंदिर के वहीं पे ही रैदास की छत्री बनी हुई है। ठीक है, एक बार दोबारा से इस मैप से हम सारी छत्रियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हनुमानगढ़ में हो गई राव जैत सिंह की छत्री, राव जैत सिंह की छत्री कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में। फिर बीकानेर, बीकानेर में कौन सी है? देवकुंड की छत्री, राव कल्याण सिंह की छत्री और कल्याण मन की छत्री और बीका की छत्री। ठीक है, बी से बी, बीका की छत्री हो गई। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सी छत्री है? जैसे बड़ा बाग की छत्री और महारावल जैत सिंह की छत्री। बड़ा बाग की छत्री और महारावल जैत सिंह की छत्री, ये कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। जोधपुर हमने पढ़ा ही था, राठौड़ों की छत्री भी है, राठौड़ वंश है यहाँ पे, इसलिए रानी सूर्य कंवर की छत्री भी है, ब्राह्मण देवता की छत्री है, कागा की छत्री है, सबसे इम्पोर्टेंट है इंद्रराज सिंह की छत्री है, कीरत सिंह सोडा की भी छत्री बनी हुई है जोधपुर में, फिर मामा भांजा की छत्री है, फिर है गोरा दाई की छत्री कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। फिर जसवंत थड़ा, ये भी जोधपुर में स्थित है, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं राजसमंद। राजसमंद में कौन सी छत्री है? कुंवर पृथ्वीराज की छत्री। कुंवर पृथ्वीराज की छत्री जो 12 खंभों की बनी हुई है, 12 खंभों से, तो ये 12 खंभों की छत्री कहा जाता है कुंवर पृथ्वीराज की छत्री को, जो कहाँ पे है? राजसमंद में। नेक्स्ट हम उदयपुर जिले की बात करते हैं, तो यहाँ पे महाराणा प्रताप की छत्री है, जो कहाँ पे स्थित है? बांडोली में स्थित है। फिर आड़ की छत्रियां हैं, जो महाराणा कर्ण सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय और अमर सिंह के द्वारा बनी हुई है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में रैदास की छत्री और लोक देवता कल्ला जी की छत्री बनी हुई है। इसके बाद है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में सांगा की छत्री है, उसकी छत्री है सांगा की छत्री, कहाँ पे स्थित है? मांडलगढ़ में स्थित है। फिर है जगदीश जी की छत्री है, जो 32 स्तंभों की छत्री कहलाती है, ये भी कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। फिर चार बाग की छत्रिया व छत्र विलास बाग की छत्री, ये कहाँ पे है? कोटा में। चार बाग और छत्र विलास कहाँ पे स्थित है? कोटा में। फिर है बूंदी। बूंदी में धाबा देवी की छत्री, 84 खंभों की छत्री है, जिसको केसर बाग की छत्री और धाबा देवी की छत्री दोनों कहाँ पे है? बूंदी में स्थित। सवाई माधोपुर की बात करें तो 32 खंभों की छत्री रणथंभौर की है। ठीक है, जयपुर में गेटोर की छत्री हो गई, ईश्वर सिंह की छत्री, मांडल की छत्रिया हो गई, ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है झुंझुनू। राव सेका की छत्री परशुराम। ठीक है, फिर हनुमान सॉरी राव सेका की छत्री और परशुराम जी की छत्री कहाँ पे है? झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पे? झुंझुनू में स्थित है। तो ये आपकी सारी छत्रियां हैं, ये राजस्थान के मैप के द्वारा आपने देखा होगा। सारे क्वेश्चन कई बार ऐसे बनाया जैसे कि भाई गोरा दाई की छत्री कहाँ पे, कई बार एग्जाम पूछा गया गोरा दाई की छत्री, तो ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसके बाद पूछा कि रैदास की छत्री कहाँ पे है, तो रैदास की छत्री भी कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि जैसे कि मांडलगढ़ की छत्रियाँ कहाँ पे, तो मांडलगढ़ की छत्रियाँ कहाँ पे हुई? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में हुई। ठीक है, ईश्वर सिंह की छत्री ये भी कहाँ पे हुई? जयपुर में हुई।